दोस्तों, आप में से हर कोई रेलवे क्रॉसिंग के बारे में जरूर जानते होंगे। हम सभी को यह सलाह दी जाती है कि ट्रेन के जाने के बाद ही या फाटक खोलने के बाद ही फाटक को पार करना चाहिए। क्रॉसिंग के नीचे से कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ट्रेन कभी भी आ सकती है और कुछ भी हादसा हो सकता है। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस नियम को जरूर तोड़ना चाहते हैं और वे गेट बंद होने के बाद भी गेट को पार करते हैं। दोस्तों, ऐसी कंडीशन में अगर कोई सामने से ट्रेन आ जाए तो लोको पायलट ट्रेन को क्यों नहीं रोकते हैं? क्या आपके मन में भी यह सवाल आया है कि कोई जानवर या कोई इंसान ट्रेन के सामने आ जाए तो उसे देखने के बाद भी लोको पायलट ट्रेन को क्यों नहीं रोकते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। दोस्तों, अगर कभी ऐसी कंडीशन आती है कि सामने ट्रैक पर कोई चीज़ है तो लोको पायलट को ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करनी पड़ती है, और 20 से 21 कोच वाली ट्रेन में अगर वह 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही हो तो इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करने के मिनिमम डिस्टेंस 800 से 900 मीटर होनी चाहिए। अदरवाइज अचानक से इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करने पर पूरी ट्रेन एक्सीडेंट का शिकार हो जाएगी। अगर कोई गुड्स ट्रेन फुल्ली लोडेड हो और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही हो तो उसमें इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करने के लिए मिनिमम डिस्टेंस 1 किलोमीटर होनी चाहिए, तब जाकर ट्रेन रुकेगी। दोस्तों, इस तरह से इतनी अधिक दूरी के सामने की चीज़ों को देख पाना पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक कि अगर कोई नॉर्मल 2 डिग्री का कर्व हो तो 500 मीटर तक की चीज़ों को देख पाना भी पॉसिबल नहीं है। और जब लोको पायलट किसी चीज़ को देखता है तो वह बहुत कम डिस्टेंस होती है। इस वजह से लोको पायलट ट्रैक पर किसी चीज़ को देखने के बाद भी ट्रेन को नहीं रोकता है। उनके लिए लोकोमोटिव में लगा हॉर्न ही एक उम्मीद होती है। वे हॉर्न बजाकर लोगों को साइड होने के लिए कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और ऐसे ही वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो फैक्ट विजन टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।